मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बावड़िया कला स्थित रुद्राक्ष पार्क फेस टू में 7 अप्रैल से शुरू हुई भागवत कथा का आयोजन 13 अप्रैल तक किया जा रहा है। कथा का वाचन वृंदावन के आचार्य श्री योगेंद्र वल्लभ गोस्वामी द्वारा हो रहा है। वहीं आज भागवत कथा में आचार्य श्री योगेंद्र वल्लभ गोस्वामी ने कथा का वाचन किया, जहां बड़ी संख्या में लोग कथा सुनने के लिए उपस्थित रहे। बता दें कि कथा दोपहर 3 बजे से प्रारंभ की जाती है। वहीं 14 अप्रैल को भागवत कथा का समापन होगा, साथ ही पूर्णाहुति और भंडारा किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। हे मेरे सुंदर, हे मेरे गिरधर, बड़ी शरण में तुम मेरे प्यारे। अब मैंने जाना बस मैं नहीं है कुछ भी, लेकिन बिन तेरे प्यारे। अब मैंने जाना बस मैं नहीं है कुछ भी, लेकिन बिन तेरे प्यारे। बोलिए मानसी गंगा की जय हो, बोलिए गोविंद कुंड की जय हो। ये गिरिराज जी प्रिया प्रीतम के प्रेम का अंकुर हैं। वृंदावन धाम प्रिया जी के चरण कमल से और पुराणों के अनुसार भगवान की जंघा से प्रकट है, अर्थात सदैव भगवान प्रिया जी के चरण अपनी गोद में रखकर और उनका चापन करते हैं, अर्थात उनकी सेवा करते हैं। और यमुना जी भगवान के बाम स्कंध से प्रकट हुई, इसीलिए श्री यमुना जी और श्री प्रिया जी की जो भक्ति है प्रेम लक्षणा भक्ति, उसको देने की आचार गुरु कुछ भी कहें समर्थ हैं, सामर्थवान हैं। बोलिए श्री यमुना रस रानी की जय हो। एक बार काशी से पुलस्त ऋषि आए और इन्होंने द्रोणाचल से इनके पुत्र गोवर्धन को मांगा। तो गोवर्धन को सुमेरु आदि सभी पर्वतों ने, चाहे वो विंध्याचल हों चाहे सतपुड़ा हों, इन सब ने गिरिराज के रूप में पूजन किया कि आप वास्तव में, क्योंकि भगवान के अंश हो, भगवान की क्रीड़ा स्थली और प्रेम के तुम दिव्य आसन हो, सिंहासन हो, इसलिए आप हमारे राजा हैं। तो काशी ले जाना चाहते थे पुलस्त ऋषि,